आज धनतेरस का पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक तोहफा दिया, इस तोहफे के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। धनतेरस हम सबको, हम छोटी दिवाली भी कहते हैं इसे, तो इसको दीपावली का उपहार ही माना जाए। सिंधिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस समय इस महत्वपूर्ण गिफ्ट देने के लिए। उड़ीसा और राजस्थान दोनों टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कई वर्षों से, कई दशकों से टूरिज्म की एक अलग प्रणाली शुरू हुई, जिसमें राजस्थान की जो हेरिटेज है उस हेरिटेज को फोकस में लाकर टूरिज्म को डेवलप किया गया। किस तरह से राजा लोग रहते थे, किस तरह से उनकी हवेलियां होती थी, क्या कल्चर था, क्या खान पान था, क्या रिलीजियन और कल्चर को मिला के एक तरीके से जो टूरिज्म डेवलप किया, वो एक अभूतपूर्व मॉडल है। उस मॉडल के कारण देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे ट्रेवलर्स राजस्थान आते हैं। उड़ीसा मेरी कर्म भूमि है, राजस्थान मेरी जन्मभूमि है। उड़ीसा में जिस तरह का सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वैसा सौंदर्य शायद विश्व में कहीं नहीं। उड़ीसा के बीचेस देखिए, उड़ीसा के जंगल देखिए, जिस तरह के पहाड़ और जंगल और बीच, और एक ऐसा अनुपम सौंदर्य जिस सौंदर्य की कल्पना वर्णन करने के लिए बड़ा कोई पोएट होना पड़ेगा। मेरा जैसा साधारण व्यक्ति ऐसा वर्णन नहीं कर सकता। और जगन्नाथ महाप्रभु की असीम कृपा है इस भूमि पर। तो मेरे मन में बार बार एक बार आती थी एक बात कि जो टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं राजस्थान घूमने के लिए, क्यों ना वो उड़ीसा भी जाए। इसलिए मैं माननीय सिंधिया जी के पास मेरे ख्याल से कम 10-15 बार आपको रिक्वेस्ट करता रहा, आपको पुश करता रहा, और इतना परस्यू किया, कई बार आप इरिटेट भी हो जाते थे, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसको हमारा सम्मान रखा, उड़ीसा का सम्मान रखा, और इस फ्लाइट को आपने डायरेक्ट कनेक्टिविटी जयपुर से भुवनेश्वर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी की। बंधुगण, छोटो कथाटा, टूरिज्म কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পাই নুহ, ট্যুরিজমটা যদি দেখিবাকু গলে নিজর কলচর, নিজর সংস্কৃতি, নিজর ধর্ম, নিজর খানপান, নিজর যাহা দিনন্দিন আমি যেমিতি রহু, সেই সবু প্রক্রিয়াকু বিশ্ব সারা লোক আসিকি এক্সপিরিয়েন্স করিবাকু চাহুছন্তি। সে এক্সপিরিয়েন্স যা থাকে, সে এক্সপিরিয়েন্সটা ইউনিক। आमे जदि एई एक्सपीरियंस को आहुरी भलो भावे प्रस्तुत करी पारिबा, मो मत अछि, मते विश्वास अछि जे जत्ते टूरिस्ट आसीबे राजस्थान को, से माने निश्चित भावे एई फ्लाइट को नहीं कि उड़ीसा मध्य जिब। उड़ीसा को थरे आसीबा आरंभ करले एंटायर गोटे सुंदर सर्किट हेई जिबो। দুইটা যাক রাজ্যর ধর্ম, সংস্কৃতি আউ কালচরর গোটে অদ্ভুত সঙ্গম অছি। ওড়িশার দেখিবাক গলে জগন্নাথ সংস্কৃতি, মহাপ্রভুঙ্কর সংস্কৃতি, বিশেষ খানপান, ডালমা কি প্রকার সুন্দর ভাবরে খানপান অছি, লোক সমস্তে আসিবাক চাহিবে। গোটে বাটটা দেখাইবা কথা, গোটে ফ্যাসিলিটেট করিবা কথা, সমস্ত জনে জনে জনকু আমি জাস্ট গোটে রাস্তাটা দেখাই দেবা কথা, সেতিকি কলে তো বহুত কিছু হয়েযাব। ওড়িশার হেরিটেজ বি সেতিকি সমৃদ্ধ যেতে জয়পুরর। জয়পুর কু কহন্তি পিঙ্ক সিটি, ওড়িশা কু আম ভুবনেশ্বর কু কহন্তি টেম্পল সিটি। এন্টায়ার ওড়িশা ইজ এ টেম্পল স্টেট, কেবল ভুবনেশ্বর নুহ, বরং সবু জায়গায় এতে সুন্দর সুন্দর টেম্পলস, এতে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। তো মু ভাবুছি আজি এই যাহা জয়পুর টু ভুবনেশ্বর উড়ান, মু কহুছি রাজস্থান টু ওড়িশা কানেক্টিভিটি, ডাইরেক্ট কানেক্টিভিটি হেলা, এই কানেক্টিভিটির ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇବେ ଲାଭ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ପାଇବେ ଲାଭ, ଆଉ ଯେତେ ଟୁରିଜମ ସେକ୍ଟରକୁ ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଯାହା ଆପଣ ସହଯୋଗ ଯୋ ଆପଣ ସହଯୋଗ କିଆ ମାନ୍ୟବର ସିନ୍ଧିଆ ଜୀ, ଆଜିକି ଆପକେ ଆପକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଔର ଦୋନୋ ସହର କେ ମେରେ ଭାଇ ଔର ବହନୋଁ କୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନମସ୍କାର।